आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। बीजा डोंगरी की गंगा झिरिया संतों की एक तपभूमि है, जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम हर नए वर्ष में लगता है आस्था का मेला। शनिवार की शाम भव्य कलश यात्रा से शुरू होगा धार्मिक आयोजन। दमोह जिले की जनपद जबेरा के बीजा डोंगरी गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बेरमा नदी के समीप सिद्ध क्षेत्र गंगा झिरिया है। आध्यात्मिक होने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य पुरातन समय से जानी जाती है। यही वजह है कि संतों की तपस्या के लिए उपयुक्त गंगा झिरिया में आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से अनेकों संतों ने तपस्या की, जिनके चमत्कारों की नित्य अनुभूति होने की वजह से तपोभूमि के रूप प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर दादा ब्रह्मचारी महाराज ने अनेकों वर्षों में तपस्या में लीन रहे और इसी स्थान में समाधि लीन हो गए, जिनकी समाधि भी इस स्थान पर बनी हुई है और श्रद्धालु नित्य समाधि के दर्शन करते हैं। दूसरे देखा जाए तो बाबा महाराज जी भी माने संत हुए। तीसरे ब्रह्मलीन संत जय जय सरकार फतेहपुर की साधना स्थली के रूप में गंगा झिरिया को जाना जाता है। अब राम अनुग्रह दास जी के सानिध्य में यह तपोभूमि, जहाँ पर 3 जनवरी से 23 जनवरी भव्य 22वां श्री रामचरितमानस महायज्ञ होना है, जिसमें संत समागम और हरि कथा जैसे दुर्लभ दर्शन क्षेत्र वासियों को प्राप्त होने जा रहे हैं। मनोहर शर्मा के साथ भगवत सिंह लोधी की रिपोर्ट। Thank you.